सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मज़े होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी एक दो दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिस पर मैंने बताया था कि मेरी फर्स्ट पेमेंट कितनी आई है। सो उस वीडियो में मुझे कुछ कमेंट्स आई थी। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर, यदि हमारा खाता जीरो बैंक अकाउंट में खुला हुआ है, यानी कि SBI कियोस्क बैंक जो होते हैं, तो यदि उनमें खुला हुआ है तो क्या यूट्यूब का पैसा हमारे उस खाते में आएगा? तो फ्रेंड्स, इसी चीज़ से रिलेटेड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि हमारा खाता जीरो बैंक अकाउंट में होगा, यानी कि छोटे बैंक में होगा, तो क्या हमारे यूट्यूब का पैसा बैंक अकाउंट में आएगा? मैं आपको बता दूँ कि आपका खाता किसी बैंक में खुला हो, चाहे बड़े बैंक में खुला हो और चाहे छोटे बैंक में खुला हो, लेकिन आपका पैसा आ जाएगा, बशर्ते आपका स्विफ्ट कोड मेन बैंक का होना चाहिए। जैसे ही आप छोटे बैंक अकाउंट में, यानी कि जीरो खाता वाले बैंक अकाउंट में अपना खाता खुलवाते हैं, तो वहाँ पर आपके बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं होता, बट स्विफ्ट कोड होता है मेन ब्रांच का होता है। आप अपने बैंक मैनेजर से पूछ सकते हैं कि इस बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है। अगर वो नहीं बताता है तो आपको फिर मेन ब्रांच जाना पड़ेगा, उस वाली ब्रांच जाना पड़ेगा जिस ब्रांच से आपकी गाँव की या फिर वो कियोस्क बैंक रन हो रही है, चल रही है, ठीक ना। तो उस ब्रांच जाना होगा और उस ब्रांच जाने के बाद आपको उसका स्विफ्ट कोड पूछना होगा बैंक जा करके। बैंक मैनेजर से पूछ सकते हैं या वहां पर जाकर किसी भी कर्मचारी से पूछ सकते हैं। अगर वो बता देते तो अच्छी बात है, या फिर नहीं बताते हैं तो आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। सो गूगल में भी आपके बैंक का स्विफ्ट कोड मिल जाता है, यदि स्विफ्ट कोड होगा तो। याद रखिए, किसी किसी बैंक का स्विफ्ट कोड होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो यदि आपके बैंक का स्विफ्ट कोड होगा तो एक बार सर्च करने में ही आपके बैंक का स्विफ्ट कोड आ जाएगा सामने, और अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा। फिर भी आपको दो तीन बार ट्राई करना है, और दो तीन बार ट्राई करने के बाद दो तीन वेबसाइट में जाइए, तो यदि तीनों चारों वेबसाइट में सभी वेबसाइट आपको एक ही स्विफ्ट कोड देती है उस बैंक के बारे में, तो इसका मतलब है कि आपका स्विफ्ट कोड सही है। बट यदि अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग स्विफ्ट कोड बता रहा है उस बैंक का, तो आपको फिर वो वाला स्विफ्ट कोड नहीं डालना है, क्योंकि अगर आपने एक बार स्विफ्ट कोड डाला तो फिर आपको बहुत सी दिक्कतें आ सकती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आपको अपने बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं मिल रहा है तो आप अभी अपने बैंक अकाउंट को लिंक ही मत करिए। भले आपके एडसेंस अकाउंट में $100 हो गए हैं, $100 से ज़्यादा हो गए हैं, बट यदि आपके बैंक अकाउंट का स्विफ्ट कोड नहीं मिलता है तो आप लोग दूसरे बैंक अकाउंट में खाता खुलवाइए, और पहले से पता करके उस बैंक का पहले से स्विफ्ट कोड पता करें, उसके बाद उस बैंक में खाता खुलवाएं, ठीक है ना। सो उस खाता को लगा करके और उसी बैंक का स्विफ्ट कोड लगा करके आपका काम सही हो जाएगा, और फिर अगले महीने की जो पेमेंट होती है, यानी कि जो अगले महीने पेमेंट होगी यूट्यूब की तरफ से, तो आपके पिछले महीने एंड अगले महीने सभी की पेमेंट एक साथ हो जाएगी, ठीक है ना। बट यदि आपने खाता नंबर लगा दिया है और स्विफ्ट कोड नहीं लगाया है, या फिर गलत लगा दिया है, तो आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, बट वो पैसा पता नहीं चलेगा कि वो पैसा गया कहाँ। और पता चल भी सकता है, चल जाता है वैसे पता, तो आपको बहुत दौड़ धूप करनी पड़ेगी, तो आपको बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों, यदि आपके एडसेंस अकाउंट में भले ही $100 हो गए हैं, बट आपके बैंक अकाउंट में स्विफ्ट कोड नहीं है, तो आपको उस बैंक अकाउंट को लगाना ही नहीं है। चाहे आप अपने घर में किसी दूसरे सदस्य का लगा सकते हैं बैंक अकाउंट जिसका स्विफ्ट कोड हो, तो आपको खुद जाके पता करना होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, और यदि अभी भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन घूम रहा है तो आप लोग वीडियो में कमेंट कर दीजिए, मैं अगली वीडियो में आपके क्वेश्चन को पिकअप कर लूंगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।